नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब के साथ घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। आयुर्वेदा ब्यूटी विद नेहा में आप सबका स्वागत है। और आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है स्मोकी आई मेकअप, और वो भी बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से। जो भी बिगनर्स हैं जिनको दिक्कत आती है आई मेकअप करने में या फिर ब्लेंडिंग करने में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि उन्हें बहुत सारे कलर्स को ऐसा करके मिक्स नहीं करना है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जिन लोगों के पास ब्रशेस की प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास सारे तरह के ब्रशेस नहीं होते हैं, तो वो भी इस मेकअप को इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से ही कंसीलर अप्लाई कर लिया है। कंसीलर को अप्लाई करते टाइम आप अपनी रिंग फिंगर की टिप पर थोड़ा सा कंसीलर लेकर अपनी पूरी आई के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इससे जो भी हमारी आँख का जो डिफरेंट कलर है वो नहीं दिखेगा। अब मैंने लिए काजल पेंसिल। अब हम काजल को अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें काजल को पूरी आँख पर अप्लाई नहीं करना है। जो हमारी आँख के ऊपर एक लाइन नज़र आ रही है आपको, इस तरह से जो शेप नज़र आ रही है, इसके अंदर ही हमें इसे अप्लाई करना है। जो इसकी लाइन है वो भी मैंने यहीं तक अप्लाई की है। अब बस इस काजल को हम आगे तक पूरा लेकर जाएंगे। आगे जैसे हम काजल के लिए अप्लाई करते हैं और सेम उसी तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, और ऊपर डायगोनल शेप में हम थोड़ा सा होते हुए इसको काफ़ी ब्रॉड करते जाएंगे साइड से। हमें ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही पूरी की पूरी आँख को कवर करने की ज़रूरत है, बस डायगोनल रूप में हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करें काजल को। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पर दो ब्रश लिए हैं। ये है मेरे पास ब्लेंडिंग ब्रश, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रश होता है आई थिंक आई शेडोज में, बिकॉज जब तक आप आई शेडोज को अच्छे से ब्लेंड नहीं करते वो अच्छे नहीं लगते। और ये है जो आई शेडो के साथ ही आता है एक एप्लीकेटर, ये स्मजिंग के भी काम आएगा। तो यहाँ पर पहले जो हमने यहाँ पर काजल अप्लाई किया है इसको हम ऊपर की साइड हल्का हल्का स्मज करना स्टार्ट कर देंगे। यदि आपके पास स्मज ब्रश भी नहीं है तो आप अपनी रिंग फिंगर से भी अपने इस काजल को स्मज कर सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। यदि आँख खोलने की वजह से काजल ऊपर कहीं भी टच हो जाए, जैसे मेरा हो गया, तो आप हल्का सा लोशन लेकर इसे यहीं पर ही क्लियर कर लीजिए। और इसको हम इस तरह से ऊपर की साइड हल्का हल्का स्मज कर देंगे। इसे स्मज करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं कैमरे के सामने भी थोड़ा सा इसको कर रही हूँ, इसलिए मुझे मिरर में अलग देखना पड़ रहा है और कैमरे में अलग देखना पड़ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें अभी टाइम लग रहा है। वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट ही लगेगा इसको स्मज करने में। तो ये हो गया है, आप देख सकते हैं पूरी शेप इसने ले ली है अच्छे से। तो अब हम लेंगे ब्लेंडिंग ब्रश, और यहाँ आईज शेडो में मेरे पास है ब्लैक कलर, जो डार्क वाला ब्लैक शेड होता है वही है ये। इसे बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसे थोड़ा सा लेंगे और एंड की टिप पर हम ब्रश को इस तरह से रख देंगे, और यहाँ पर ही लगाकर हम इस ब्रश को राउंड शेप में इस तरह से सर्कल मोशन में इस तरह से हम इसको राउंड करें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। हम इसको अच्छे से अंदर की साइड ब्लेंड करें। इससे जो अभी हमने हल्का सा आई शेडो लिया है और जो काजल पहले से हमने अप्लाई किया हुआ था वो आराम से मिक्स हो जाएगा, और जो हल्का सा गैप था वो फिल हो जाएगा। और अब मैं ले रही हूँ ऊपर जो हमारे पास तीन ब्राउन शेड दिए हुए हैं, आप कोई भी ब्राउन शेड ले सकते हैं।
उससे इसमें लाइट और डार्क का जो शेड आएगा वो बहुत ही सुंदर नजर आएगा। ब्राउन शेड लेने से पहले आप टिश्यू पेपर से अपने ब्रश को क्लीन कर लीजिए, अदरवाइज वो उसी में मिक्स हो जाएगा। अब एंड वाले पार्ट से आप फिर से इसको लगाना स्टार्ट कीजिए और फिर से सर्कुलेशन मोशन में हम इसको आगे की साइड बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से और इतनी खूबसूरती से ब्लेंड हो गया है, कोई भी कलर अलग अलग बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर हो गया है। और जो मेरे पास ब्राउन शेड है उसे मैं आँख की टिप पर भी आगे की साइड हल्का सा लगा दूंगी और जो लाइन है हमारी आई की उसके ऊपर एक बार ब्राउन शेड का ब्रश मैं ऊपर से भी शेड दे दूंगी, जिससे जब हम इसको देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत रेनबो की तरह से इसके कलर्स नज़र आएंगे, जो पता नहीं चलेंगे कि कहाँ ख़त्म हो रहे हैं और कहाँ नया कलर स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जो हमने एक एप्लीकेटर लिया था उसकी बिल्कुल टिप पर मैंने लगाया है यहाँ पर हल्का सा ब्राउन शेड, उसे मैं अपनी आईलेट से ज़्यादा नीचे नहीं, बस उससे जस्ट हल्का सा नीचे एक बहुत ही पतली लाइन कर रही हूँ। इसकी जो टिप है आपको उसको यूज़ करना है इसके लिए, अदरवाइज़ ये बहुत नीचे तक आ जाएगा और ये अच्छा नहीं दिखेगा। पहले मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया था, अब मैं हल्का सा ब्लैक शेड भी यूज़ कर रही हूँ और नीचे मैंने एक हल्की सी पतली लाइन क्रिएट कर दी है, जो एक्चुअल में लाइन नहीं है लेकिन एक हल्का सा इल्यूज़न क्रिएट करेगी। तो इस तरह से ये हमारा आई शेडो नज़र आ रहा है। अब इसको एक कंप्लीट लुक देने के लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर मस्कारा। मस्कारे को हम ऊपर और नीचे दोनों ही साइड पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। तो आई शेडो तो लग गया है लेकिन अभी इसको कंप्लीट लुक नहीं मिला है, तो उसके लिए हम अभी अपनी आईब्रो के जस्ट नीचे हल्का वाइट कलर का एक, यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है ये वाइट कलर का हाइलाइटर, इसे मैं अपनी फिंगर टिप पर लूँगी और जस्ट आईब्रो के नीचे हल्का सा इसको अप्लाई कर लूँगी। मैंने इसको आईब्रो के मिडिल पार्ट से यूज़ किया था, मतलब लगाना अप्लाई करना, और फिर उसके बाद आगे से लेके पीछे तक इसको हल्का सा कवर कर दिया है पूरा, जिससे केवल और केवल इसमें हल्की सी शाइन आएगी, कोई लाइन नहीं नज़र आएगी या कोई कलर नज़र नहीं आएगा और हमारा स्मोकी आई लुक कंप्लीट हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बस मैं अब अपनी दोनों आँखों पर इसको कर लेती हूँ और देखिए ये कितना खूबसूरत लगता है। ये हर टाइप की ड्रेसेस के साथ अच्छा लगता है, वेस्टर्न के साथ तो अच्छा लगता ही है, मैं आपको दिखा दी ये इंडियन के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, हर कलर के साथ जाता है। तो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।